सबसे पहले बात आतंकी साजिश से जुड़ी एक बड़ी खबर की करेंगे। संदिग्ध आतंकी जाकिर हुसैन के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में पकड़ा गया यह अब तक का तीसरा संदिग्ध है। महाराष्ट्र एटीएस ने संदिग्ध को मुंब्रा से गिरफ्तार किया है। जाकिर हुसैन शेख की गिरफ्तारी के बाद उससे हुई पूछताछ में इस संदिग्ध का नाम सामने आया था, जिसके बाद एटीएस की टीम ने मुंब्रा इलाके में छापेमारी की थी। अब संदिग्ध को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, महाराष्ट्र से है यह बड़ा अपडेट, जहां पर संदिग्ध आतंकी जाकिर हुसैन के बाद, जिसका कि कोड नेम एंथनी था, उसके बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में पकड़ा गया यह अब तक का तीसरा संदिग्ध है। महाराष्ट्र एटीएस ने संदिग्ध को मुंब्रा से गिरफ्तार किया है। जाकिर हुसैन शेख की गिरफ्तारी के बाद उससे हुई पूछताछ में ही इस संदिग्ध का नाम सामने आया था, जिसके बाद एटीएस की टीम ने मुंब्रा इलाके में छापेमारी की और इसे वहां से पकड़ा। अब संदिग्ध को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सूरज, तीसरा संदिग्ध पकड़ा गया है, पूरी जानकारी क्या है इससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल आदर्श, हमें इस पूरे मामले में जान मोहम्मद शेख को मुंबई के धारावी का जो रहने वाला है उसे कोटा से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसका बैकग्राउंड चेक किया गया, सारी चीजें की गई, तो महाराष्ट्र एटीएस को एक लिंक मिला जाकिर का। जाकिर को गिरफ्तार किया गया। ऐसी बातें बीच में आई थी कि जाकिर की कस्टडी दिल्ली स्पेशल सेल को दी जाएगी, लेकिन उसकी कस्टडी दिल्ली स्पेशल सेल को ना देकर महाराष्ट्र एटीएस ने अपना खुद का केस रजिस्टर किया और उस पर जांच शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें भी ये पता लगाना था कि इसका जाल किस तरह से मुंबई में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है। जाकिर से जब पूछताछ की गई तब पता चला कि जिस समय जाकिर को ढूंढा जा रहा था उसे छुपा कर रखा गया था, तो जिसने छुपा कर रखा था वो ये आरोपी है जिसे आज एटीएस ने गिरफ्तार किया है और वो मुंब्रा का रहने वाला है। वो मुंब्रा में जाकर छिप गया था, जिसके बाद मुंब्रा में कई इलाकों में छापेमारी की गई थी। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, सेशन कोर्ट में। आज हॉलीडे कोर्ट है, हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उस आरोपी को एटीएस कस्टडी में भेज दिया है, लेकिन अभी तक एटीएस ने ज्यादा डिटेल्स साझा नहीं किए, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि वो जाकिर को छुपाने से लेकर कई इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी इस संदेश को थी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सूरज, नजर बनाकर रखिए, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर मुंबई से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।